लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को शहबाज शरीफ खानदान की अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए विफाकी हुकूमत से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अल अरेबिया शुगर मिल्स की दरखास्त पर समाप्त की। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि विफाकी हुकूमत ने चीनी की किल्लत पर 16 मार्च को इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। अल अरेबिया शुगर मिल्स पर कॉरपोरेट फ्रॉड का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया। दरखास्त गुजार का कहना था कि शुगर मिल्स की तरफ से 1 अरब रुपए से जायद शरीफ फीड मिल्स और शरीफ डेयरी फार्म्स को मुंतकिल करने का इल्जाम भी आयद किया गया। शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत की गयी। विफाकी काबीना ने अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी करने का गैर कानूनी हुक्म दिया। GIT की जानिब से अल अरेबिया शुगर मिल्स से रिकॉर्ड तलबी के नोटिस गैर कानूनी है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ विफाकी हुकूमत के इंक्वायरी के अहकाम को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए, तलबी के नोटिस मुअत्तल और हरासा करने से रोका जाए। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ खानदान की अल अरेबिया शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोकते हुए विफाकी हुकूमत से 18 सितंबर को जवाब तलब कर लिया।